हेलो फ्रेंड्स, इजी लॉ लेक्चर्स में एक बार फिर से आपका वेलकम है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं अपने कमेंट्स के जरिए, हमें मैसेज कर रहे हैं कि कंपटीशन लॉ और कोई भी लॉ आप पढ़ा रहे हैं तो उसका सिलेबस हमें ज़रूर बताइए। बहुत सारे फ्रेंड्स को सिलेबस की प्रॉब्लम होती है, तो एक सिलेबस की वीडियो भी कॉम्पिटिशन लॉ की हम बना रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉम्पिटिशन लॉ में क्या सिलेबस है। यूनिट वन में आपको पढ़ना पड़ेगा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 कंपटीशन एक्ट, बैकग्राउंड प्रोहिबिशन एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका कंपटीशन एक्ट का बैकग्राउंड पढ़ना है, प्रोहिबिशन क्या है इसके अंदर, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करनी है। कंपटीशन एडवोकेसी पढ़ना है आपको यूनिट वन के अंदर। अब बात करें यूनिट टू की, तो उसमें जो है आपका कॉरपोरेट फाइनेंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ना है, फिर सेबी एक्ट 1992 पढ़ना है और सफारसी एक्ट पढ़ना है। सफारसी एक्ट द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। फिर यूनिट थ्री के अंदर आपको पढ़ना है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फॉरेन ट्रेड एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। उसके बाद आपको पढ़ना है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद आपको पढ़ना है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ये यूनिट थ्री का सिलेबस है। यूनिट फोर में आपको पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और इसका बैकग्राउंड पॉलिसीज एंड अथॉरिटीज डिपॉजिटरी एक्ट 1996 का थोड़ा सा इसका ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको, अथॉरिटीज डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। और स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट एक मैंने तैयार किया है कि यूनिट वन टू थ्री फोर में आप क्या कर लें। यूनिट वन के अंदर आप बैकग्राउंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपटीशन कमीशन इन इंडिया पढ़ लें, पावर फंक्शंस एंड ड्यूटीज, बैकग्राउंड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट एंड कंपटीशन कमीशन जो होती है इंडिया के अंदर उसकी पावर फंक्शंस एंड ड्यूटीज क्या हैं, एक बार इसको देख लें। इसमें से एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। यूनिट टू में है ड्यूटीज फंक्शंस एंड पावर ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट 19, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है। यूनिट थ्री में आप देख लें फॉरन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन 1992, इसका एक व्यू ले लें। और यूनिट फोर के अंदर फेमा एक्ट 1959 पढ़ लें और पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें इसका, एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 को थोड़ा सा देख लें यही, और इसका आर्म्स एक्ट एक 1959 उसको भी जरा सा देख लें आप। थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा डीप में मत जाएं, एक ओवरव्यू ले लें कि मान लो आपको ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपने पहले से नहीं की है और आपने उसको थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो वो आप क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो इन्हीं टिप्स के साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियोज़ बना रहे हैं, आपके लिए लॉ की पढ़ाई को आसान बना रहे हैं। हमने अपने चैनल का नाम भी इजी लॉ लेक्चर इसलिए ही रखा है कि हम काफ़ी इजी कर दें, सब कुछ क्लैरिफाई करें, सब चीज़ें बहुत ही आसानी से आपके सामने लेके आएं ताकि आपको बिल्कुल भी पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन, कुछ भी आपकी सजेशंस हैं, कुछ भी आपका अप्रिशिएशन है, कुछ भी आपको कमी लगती है हमारे वीडियोज़ के अंदर, प्लीज़ उसको ज़रूर लिखें और लाइक करें हमारे वीडियोज़ को, शेयर करें। हर फ्रेंड से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ उसको कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ अपने ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का ये सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।